साहस सरोकार। लखनऊ में एके शर्मा ने किया निरीक्षण, साफ सफाई का किया जायजा। साजापुर में प्रभात फेरी का समापन, कार्यक्रम में कई लोग शामिल। कानपुर में इरफान सोलंकी की बेगुनाही का दिया सबूत, परिवार ने सीसीटीवी फुटेज किया जारी। बुलंदशहर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में मरीजों ने कराई जांच। अम्बेडकर नगर में अराजक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। राज्य सरकार में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बाराबंकी के सत्यप्रेम नगर और फैजुल्लागंज में डेंगू और संचारी रोग से ग्रसित मरीजों से मुलाकात कर उनका स्वास्थ्य जाना। साथ ही कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने दोनों वार्डों की साफ सफाई का भी जायजा लिया है। बाराबंकी पहुंचे कैबिनेट मंत्री का भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पीरखा युवा टीम के चेयरमैन प्रत्याशी सोएब भैया ने संतोष अस्पताल में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। सीनियर डॉक्टर की टीमों ने करीब 302 लोगों की जांच की है। इस अवसर पर टीम के सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे। खबर देवरिया से है, जहां बुद्धा पब्लिक स्कूल के छात्रों की तरफ से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में 25 से अधिक कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें वैक्यूम क्लीनर, प्रोजेक्टर हाइड्रोक्लोरिक, जेसीबी मशीन, उत्सर्जन तंत्र शामिल हैं। छात्रों की लगाई प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इससे ये संदेश देना चाहते हैं हम कि बच्चों का जो विकास है बहुत ऊँचे स्तर पर होता है और बच्चों ने इसमें बहुत मेहनत किया है इसको मनाने में, और मैं सभी बच्चों का इसका शुक्रिया करता हूं। आज साइंस डे पर उन्होंने साइंस एग्जीबिशन लगवाया है, वो बहुत अच्छा है। अब फ्री में एजुकेशन है उनका, गरीब बच्चों के लिए कोई फीस चार्ज नहीं होता है, कोई बुक्स चार्ज नहीं होता है। कंप्लीट बुक्स स्कूल प्रोवाइड करता है बच्चों का, बुक्स कॉपी वगैरह ड्रेस वगैरह। अम्बेडकर नगर में इस्माइलपुर गांव में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया था। पुलिस और प्रशासन ने अम्बेडकर की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने का काम किया है और लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने की अपील भी की है, जिसके बाद पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला अभी रुक नहीं रहा है। ताजा मामला संबंधपुर थाना क्षेत्र इस्माइलपुर गांव का है, जहां पर अम्बेडकर की बनी प्रतिमा के को पूरी तरीके से ढा दिया गया। आखिरकार शासन और प्रशासन द्वारा उसको पुनः स्थापित करा लिया गया और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चंद दिनों पहले जलालपुर वाजिदपुर गाँव में अम्बेडकर की प्रतिमा पर काली पोतने के मामले में वहाँ के स्थानीय महिलाओं के साथ धरना पे जो थी और पुलिस प्रशासन के साथ काफ़ी कहा सुनी हुई थी, जिसको लेकर के फैसले में एक चैलेंज कर रहा है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव भी तेज है। आखिर इन सब अम्बेडकर प्रतिमाओं को के छेड़छाड़ को लेकर किसके पीछे का हाथ है, ये जांच का विषय है। पूरे पुलिस महकमे के लिए ये चैलेंज का विषय है। कैमरा पर्सन गायन प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे की रिपोर्ट, प्राइम टीवी अम्बेडकर नगर। यूपी के बुलंदशहर में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को लेकर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि महामहिम राज्यपाल के नाम
प्रेषित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश के तहत बीसा कॉलोनी के हजारों मतदाताओं को परिसीमन से बाहर कर दिया गया है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल है। अपने अधिकार का और अधिकार की बात यह है कि सन 90 से 2012 तक नगर पालिका क्षेत्र में बीसा कॉलोनी और युद्ध विहार कॉलोनी आती थी, जहाँ पर वाटर टैक्स और हाउस टैक्स लिया जाता था, सभासद चुना जाता था। परंतु 2012 के बाद कुछ लोगों की नगर पालिका प्रशासन की चतुराई से लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र से इस इलाके को निकाल दिया। ये लगभग 15-16 हज़ार लोगों की आबादी का एक क्षेत्र है, जिसमें 6-7 हज़ार वोटर हैं जो पहले नगर पालिका में वोट डाला करते थे। आज वो ना नगर पालिका में वोट डाल सकते हैं, ना ही वो नगर पंचायत में वोट डाल सकते हैं, ना ही वो जो है ग्रामीण क्षेत्र की वोट डाल सकते हैं। खबर फरुखाबाद से है, जहां सीएम योगी अपराध और अपराधियों के चलते खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो वहीं कई मुकदमों में वांछित अपराधी हिमांशु पाल ने थाने में आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं है सर, पहले के मुकदमे थे सर, वो तो किशोर बोर्ड में खत्म कर दिए हैं। हाँ। जी फिर क्यों परेशान करती है, क्या कारण क्या है? सर कोई कारण नहीं है सर, ऐसे ही सर पता नहीं। तो आप यहाँ पे लिख के ले आए मैं साहब बेकसूर हूँ, मतलब क्या कहने आए हैं कप्तान साहब के पास? सर मैं चाहता हूँ सर, मैं शांति से रहना चाहता हूँ सर, और कोई बात नहीं है सर। इससे पहले कोई विवाद हुआ था तुम्हारा पहले कभी? काफ़ी टाइम से कोई भी बात नहीं हुआ, ना मैं किसी मैटर में बांछित हूँ, किसी मुकदमे में भी नहीं। तो मतलब पुलिस बेवजह परेशान करती है? हाँ, बेवजह। पहले कुछ मुकदमे रहे थे क्या? पहले मुकदमे थे सर, 2014 के आसपास के मुकदमे मेरे ऊपर लगे थे। हाँ सर, 10 मुकदमे लगे थे। अब किस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हो? सर शांति से रहना चाहता हूँ सर, घर पे। देखिए इस युवक के ऊपर जो हिमांशु पाल आया था, इसके ऊपर 10 से ज़्यादा आपराधिक मामले हैं, और इसने अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल पहले अपराध किया है, तो अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। और जिनका आपराधिक इतिहास रहता है, पुलिस उसको पूछती रहती है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखती है, लेकिन किसी प्रकार का इसका अनावश्यक रूप से उत्पीड़न न हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कानून संगत जो कार्यवाही होगी वो की जाएगी। ऐसा है, क्राइम करना कोई नहीं चाहता है। बचपने में जो लोग कोई गलती कर देते हैं, कुछ भी बच्चे हों कोई भी, सब बहुत सुधरना चाहते हैं। ये सरकार ऐसी है कि इसमें मौका मिलता है तो इन बच्चों को भी, मुझे लगा कि इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे होशियार भी हैं, पढ़ने भी ठीक हैं, गलत राह पे चले गए थे, तो बस मैंने एक छोटा सा काम किया कि समाज में इन्हें सुधारना चाहा, तो ये सहयोग पूरा कर रहे हैं, जिसमें हमारे SP साहब ने भी पूरा सहयोग किया। इससे पहले लकी पाल का भी सहयोग किया था, उसी लकी पाल को ही देख के हिमांशु पाल ने ये निर्णय लिया है कि जब वो सुधर गए, SP साहब के भरोसा जीता SP साहब ने, तो ये भी कर रहे हैं। कई भी ऐसे हैं होंगे वो भी इनको देख के आगे कहेंगे कि हम भी अपराध छोड़ दें। खबर गोंडा से है, जहां ग्राम पंचायत महनवन में कई दिनों से लापता युवक का शव जंगल की झाड़ियों में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल की फॉरेंसिक टीम ने जांच की। शव की खबर सूचना पर मृतक परिजनों और गांव वालों में कोहराम मच गया है। जनपद गोंडा थाना धानेपुर ग्राम महनौन में आज एक युवक की डेड बॉडी की सूचना ग्राम प्रधान के द्वारा दिए जाने पर स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और स्वाट टीम के साथ मौके पर जा करके शव को में कब्जे में लेकर के उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि ये युवक जो सुनील कश्यप नाम का युवक 26-27 साल की उम्र है, लुधियाना में रहता था। 7 नवंबर को अपने गांव आया हुआ था वहां से, और 7:08 की रात में यहां मेला लगा हुआ था, तो मेले में इसका शाम के समय से ये घर नहीं लौटा जब दोबारा, तो इसकी ये हुआ कि मेला चला गया होगा। जब नहीं आया अगले दिन, तो 8 तारीख को इसकी गुमशुदगी लिखाई गई थी। पुलिस और परिजनों के द्वारा इसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी खोजबीन के क्रम में आज इसकी शव की सूचना मिली थी। इसमें परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है और अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी के परिवार ने CCTV फुटेज को सामने रखते हुए अपने बेटे को बेकसूर बताया है। CCTV से साबित करने की कोशिश की है कि पीड़िता के घर आग उसने नहीं लगाई थी,
बल्कि एक पटाखा फूटने से चिंगारी से आग लग गई थी। इसके पीछे किसी भी तरीके की कोई साजिश नहीं है और वक्त आने पर इरफान रिजवान सोलंकी सामने भी आएंगे। वहीं उसकी माँ भी अपने बेटे को बेकसूर बता रही है। हमारे बच्चे के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है बिल्कुल, और वो लोगों से कोई मतलब ही नहीं इरफान सोलंकी से। और रिजवान ने वो जगह खरीदी है, वो कब्जा कर रखी है, उसके बावजूद भी हम लोगों को परेशान करती है। और पुलिस को चाहिए था कि पहले सबूत लेती, फिर उसके बाद में जो कुछ करना था करती। हम तो अपने देवर के वहाँ थे, मेरी बहू अकेली थी, उनको परेशान किया गया। खबर कासगंज से है, जहां मुख्यमंत्री योगी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं बंबा रोड के सड़क निर्माण के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी और नगर अध्यक्ष बदरुल हसन खान ने स्थानीय निवासी के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द सड़क निर्माण कार्य कराने की गुहार लगाई है। शाहजहांपुर में कृष्ण नगर मंदिर में राधा नाम संकीर्तन मंडल युवा सेवा समिति के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक मास में निकलने वाली प्रभात फेरी का समापन हो गया। आपको बता दें कि मेहंदी की रस्म अदा की गई, इस दौरान नाच गाना का आयोजन भी किया गया है। संगीत कार्यक्रम में कई लोग सम्मिलित भी हुए। शोभा यात्रा को लेके बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रहती है और सारे बहुत खुश और जैसे अपने घर में शादियों में तैयार होते हैं उससे ज़्यादा तैयार होके आते हैं। शोभा यात्रा हमारी तुलसी विवाह की हर वर्ष चलती है और ये यहाँ कृष्ण नगर मंदिर से होकर कचहरी और गोविंदगंज होते हुए फिर वापस लौट के मंदिर पर आएगी। गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर एसएसपी ऑफिस में जाकर हत्या की वारदात का खुलासा किया। आपको बता दें कि पुलिस की जांच में लाश पड़ी मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। एसएसपी ऑफिस में शिकायत प्रकोष्ठ में आकर एक व्यक्ति जिसका नाम सद्दाम है, 32 वर्ष उसकी उम्र है, थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा ये सूचना दी गई कि उसने अपनी पत्नी जिसकी उम्र 28 वर्ष है उसको किसी भारी वस्तु से उसके सिर पे वार करके उसकी हत्या कर दी है और उसका शव एक स्थान पर थाना क्षेत्र में ही डाल दिया है। उस बात को वेरीफाई करते हुए थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने उसकी पत्नी के शव को बरामद कर लिया है और उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब इसमें एग्जैक्ट कारणों की इसमें जाँच की जा रही है कि किन किन कारणों से उसने ये कृत्य किया एवं इसके अलावा और कोई अन्य व्यक्ति भी इस कृत्य में उसके साथ शामिल रहा, इसकी भी हम गहनता से पड़ताल करेंगे। रायबरेली में सीएम योगी के सड़क निर्माण कार्यों पर सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी नियमों को अनदेखा करते मिले। धुरेमऊ से कुशलखेड़ा जाने वाली मुख्य सड़क के निर्माण मानक विहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों में अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश है। रोड खराब बन रही, अच्छा जो रोड बन रही है सही नहीं बन रही, ना ना मानक के अनुरूप नहीं बन रही, नहीं बन रही। रोड में आने जाने की बहुत तकलीफ, जगह जगह कटी पटी। तो क्या ये रोड बन रही है, जो ये सही बन रही है? सही कैसे है, सब खड्डी खड्डा वैसे है, खाली एक रिन्यूअल हो रहा है नाम के लिए। रोड बन तो रही है लेकिन बराबर नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं खाली, बराबर नहीं है, ये है प्रॉब्लम। और इसमें जो पहले लोग को जो पत्थर डालना चाहिए वो पत्थर नहीं डाला, ऐसे ही इसी के ऊपर केवल ये डामल डाल दिया, इसके वजह से खड्डा वड्डा देखिए ना जी जी, कहीं खड्डा है तो पानी आके यहाँ रुक जाता बारिश का और गाड़ी आने से यहाँ पर पूरा फिर वैसे ही वैसे, यानी एक साल ही नहीं चलेगा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां यातायात माह के तहत जनपद में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीओ यातायात जगदीश लाल टंपा कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने महिला पुलिस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं रोजा रेलवे इंटर कॉलेज के छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया है। कार्यक्रम में यातायात अधिकारी रितेंद्र प्रताप सिंह और अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश भर में माह नवंबर ट्रैफिक माह के नाम से इसको मनाया जाता है, तो ट्रैफिक से होने वाली जो दुर्घटनाओं के बारे में
और ट्रैफिक सेंस के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से उसके हमने पूरे महीने का प्रतिदिन का कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है। प्रत्येक स्टेप पर जो जो चीज़ें गलतियां होती हैं ट्रैफिक चलाते समय, ट्रैफिक सड़क पर आने के बाद में, उन गलतियों के बारे में लोगों को जागरूकता उनमें लाने के लिए हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम स्कूल कॉलेजों में और सभी जितने भी बिंदुओं पर मतलब गलतियां होती हैं उन सभी बिंदुओं पर हम प्रतिदिन इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। शाजापुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम की अध्यक्षता में खिरनी बाग स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने कहा कि सभी बाजारों और ट्रेड से 4-5 सक्रिय सदस्यों को शामिल कर एक क्विक एक्शन कमेटी का गठन किया गया था, जिसका आज विस्तार किया गया है। बैठक में महानगर के कोषाध्यक्ष कुंज बिहारी अग्रवाल, अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार को व्यक्त किया। गठन पहले भी हमारा हो चुका है, जो लोग बचे हुए थे उनको आज एक्शन कमेटी में जोड़ के इसका विस्तार किया जा रहा है। इस कमेटी का जो मेन उद्देश्य है कि कभी भी कोई भी दिक्कत किसी भी व्यापारी पे आती है तो उस पर ये कमेटी तुरंत 10 से 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम लोग घटनास्थल पर जब पहुँचेंगे। सक्रिय कार्यकर्ता हैं उसमें जुड़े हुए व्यापार मंडल में, और हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है कि व्यापारी को फौरी तौर पर तुरंत राहत पहुंचाना। अगर कोई सरकारी अधिकारी कुछ हवा मारता है, कोई नाजायज तरीके से परेशान करता है तो उसको हम लोग जाकर खड़े होकर उसकी मदद करते हैं, उसका हौसला अफजाई करते हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहाँ जिला अधिकारी ने नवनिर्मित थाने शिवगढ़ का भूमि पूजन कर उद्घाटन किया। नवनिर्मित थाने में एक इंस्पेक्टर, 5 उप निरीक्षक और 32 आरक्षियों और महिला आरक्षियों को तैनात किया। साथ ही जिला अधिकारी ने कंप्यूटर कक्ष, मलखाना और बैरक का भी निरीक्षण किया है। जनपद का सबसे नवीनतम थाना जो है शिवगढ़ थाना, उसका बेसिकली तो शिवगढ़ में स्थापित होगा फाइनली, बट इसको एक टेम्पररी रूप से चलाने के लिए एक मतलब थाने का एक विधिक स्थापना हो गई। आज हमने यहाँ पर उसका भूमि पूजन एक तरह से करके और उसके बाद उसको एक संचालित कराया है मैंने और कप्तान साहब ने, और हमने उसके बाद से यहाँ पर जो एक थाने में होना चाहिए एक सीसीटीएनएस सिस्टम होना चाहिए वो चालू हो गया है। थाने का रेडियो सेट चालू हो गया है। थाने की बैरक और मेस जो है पीछे एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट अच्छा बनाया गया है वो चालू हो गया है। सुल्तानपुर में लगातार जितने भी अपराध हुए हैं सब में कार्रवाई हुई है। ऐसे जो बहुत ही संगीन घटनाएं थी जिसमें पुलिस मुठभेड़ तक हुआ है, यह अब जनपद सुल्तानपुर में तीन ऑलरेडी 3 महीने में 3 पुलिस मुठभेड़ हो चुकी है, लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही है। यहाँ पे करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराधियों को जब्त की गई है 14 एक्ट की गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत लगातार। गाजियाबाद में रविदास नगर निवासी छात्र के पिता और पड़ोसी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से बच्चे के साथ स्कूल में लगातार दुर्व्यवहार और अभद्रता की जा रही है, साथ ही बार बार फीस की बात कहकर बच्चे को परेशान भी किया जा रहा है, जिसके चलते बच्चे ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। वहीं इस पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। पेपर भी ना लिए, यहाँ पे ली उनमें तू भगा दिए, कल खड़ा करके रखा मार पीट के, 15 साल का बच्चा इंसल्ट ना समझता। मैंने कि तू जा तो सही आज स्कूल भगावे तो मुझे बुलवा लीजिए, फिर भगा दिया आज मार पीट के, जाकर फांसी लगा ली मेरे बच्चे ने। ये रविदास नगर के हम लोग निवासी हैं, पटेल मार्ग रविदास नगर, और मामला जो है पटेल मार्ग पे एक स्कूल है जो हैप्पी मॉडल पब्लिक हैप्पी मॉडल नाम के है, उसमें बच्चे ये पढ़ रहे थे इनके हीरा जी के, उसमें इस बच्चे को टॉर्चर करा गया है फीस के ऊपर। फीस के अतिरिक्त उस पर पूरी क्लास के सामने उसे बेइज्जत करा गया है। बच्चे की उम्र क्या है लगभग? बच्चे की उम्र लगभग 15 साल है, 15 साल से ऊपर नहीं है, नीचे ही है। 8वीं क्लास में।
खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य चोरी की गई गाड़ियों को नेपाल ले जा रहे थे, जिन्हें इड्डोजार टोल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी किए गए वाहन और फर्जी बीमा लाइसेंस भी बरामद हुए हैं। दिल्ली से चोरी हुई गाड़ी सफेद रंग की, जो कि नेशनल हाईवे के द्वारा इसको नेपाल ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तत्काल हमारे नेशनल हाईवे पड़ने वाले जो थाने हैं, खैराबाद, कमलापुर, सिधौली, अटरिया, इनके द्वारा चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम लोग को एक विटारा ब्रीटा गाड़ी मिली सफेद रंग की, इस पे दो व्यक्ति सवार थे। इनको इनसे पूछताछ की गई व इनके द्वारा कागज पत्र की जब जाँच की गई तो निकल के आया कि ये गाड़ी जो कि दिल्ली से चुराई गई थी, इसके संबंध में वहाँ अभियोग भी पंजीकृत है, इसको ये लोग लेके जा रहे थे। इस गाड़ी में नंबर प्लेट बदली गई थी, फर्जी आरसी का प्रयोग किया गया था व कोर्ट रचना करके अभिलेख गठित किया गया था। फरीदाबाद में लड़कियों के खिलाफ हिंसक वारदात रोकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं एक बार एक युवती का सड़क किनारे शव मिला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही घटना के उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। तो ये जानकारी में हमने सुबह सुबह फोन आया था मेरे साले को, मेरे पास कह रहा जीजा ऐसा ऐसा बात है, तो मैंने कहा मतलब मार उड़ के फेंक दिया, कोई अनजान बंदे ने फ़ोन करके बताया था मेरे साले को, साले ने मेरे पास फ़ोन किया था। तो हम फिर गए, बोला कि बाइक 23 के रोड पर फेंका हुआ है गलियों में। फिर पूछते पूछे गए 6:30 बजे 7 तो वहीं बज गया था, तो वही गली में देखा था तो उसे गिरी पड़ी थी, गोड़ हाथ सब तो टूटा पड़ा था, हाथ सब फटा पड़ा था उसकी। ठीक, फिर वहाँ से हमें ऑटो किए तो ऑटो वाला भी आने के लिए मना कर दिया उसने भी। तो फिर हम पुलिस चौकी पास में था, तो पुलिस चौकी गया तो बोला था गाड़ी तो है ही नहीं, तो उसने ऑटो के बोल के ऑटो वाले को, फिर ऑटो वाला आया मेरे पास, फिर वहाँ से ऑटो पे करके लेके आ गया। अभी की गाड़ी नहीं थी? नहीं थी, सुबह सुबह टाइम में गया था, सोए हुए थे सर भी, हाँ तो उठा के तब बोले थे ये बात। तो बोला ठीक, कह रहे थे सर भी बोल रहे थे कि लेके आ जा मेरे पास। मैंने सर से बोला सर कुछ चलने लायक रहेगी तब तो लेके आऊँ, टूटा पड़ा था पूरा पैर, तो कहाँ से अकेले उठा रहे, अकेले था मेरा भी साला भी था। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे को ऑटो कर दे रहा हूँ, लेके चला जाता। फिर सर ने ऑटो किए तब मैं लेके आया बीके। ये 19 वर्षीय युवती सेक्टर 24 एरिया में किसी कंपनी में काम करती थी, जिसकी एक लड़के महेंद्र से पिछले 2-3 साल से दोस्ती थी। और कल ये लड़की सुबह, परिजनों के मुताबिक कि कल लड़की सुबह घर से निकली थी और शाम को घर वापसी नहीं आई, इन्होंने इसको तलाश किया। लेकिन आज सुबह करीब 5:30 बजे किसी अनजान व्यक्ति के नंबर से इसके भाई के फोन पे फोन आया कि एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी है संजय कॉलोनी एरिया में और इसको चोटें लगी हुई हैं। लड़की ने अपने भाई से बात की और उसने बताया कि मुझे चोटें मारी हैं महेंद्र ने। तुरंत इसके परिजन मौके पे गए, वहाँ से उसको देखा उसको चोटें लगी हुई हैं। तो लड़की ने वहाँ भी बताया कि मेरे को महेंद्र ने मेरे काफ़ी चोटें मारी, उसके पैर में हाथ में फ्रैक्चर है। वहाँ उसको हॉस्पिटल लेके गए बीके हॉस्पिटल, तो वहाँ डॉक्टर ने चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया है। विश्व एकता के प्रबल समर्थक, प्रख्यात शिक्षाविद और सिटी मॉनेटरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास से हुआ है। इस अवसर पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के हजारों कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों ने उनको फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। सीएमएस प्रधान कार्यालय पर आयोजित जन्मदिवस समारोह में सीएमएस संस्थापिका डॉक्टर भारती गांधी, सीएमएस प्रेसिडेंट प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन, इंग्लैंड निवासी शिक्षाविद रोजर किंगटन समेत अनेक अधिकारीगण व गणमान्य लोग उपस्थित थे। खबर लखनऊ से है, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर कैंपस के टॉप 1 पेरेंट्स लाने वाले मेधावी छात्र को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 48 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जारी की। सभी मेधावी छात्रों को 5 साल तक उच्च शिक्षा के लिए 80,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इस मौके पर सिटी मॉन्टेसरी के संस्थापक जगदीश गांधी ने मेधावी छात्रों के उज्ज्वल के लिए प्रार्थना की।
प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों के में बस इतना ही। तो देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम प्रीव्यू।